दोस्तों आज हम TVS Jupiter Classic की 2020 वेरिएंट जो BS6 पॉल्यूशन नॉर्म के साथ लॉन्च हुई है उसकी एक इनडेप्थ रिव्यू करेंगे। इस 2020 वेरिएंट में इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन अब कैसी है, इसकी माइलेज प्राइस सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्कूटर मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूटर है TVS जुपिटर। दोस्तों ये जो स्कूटर आप देख रहे हो वो दरअसल जुपिटर की टॉप वेरिएंट है, जुपिटर क्लासिक। मुझे पर्सनली जुपिटर की तीनों वेरिएंट में से इस क्लासिक वेरिएंट भी सबसे ज्यादा पसंद है। स्पेशली इसमें जो रेट्रो क्लासिकल टच दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइड पैनल पे देखे तो जुपिटर की 3D एम्ब्लेम आपको मिल जाता है। जुपिटर क्लासिक पे रेट्रो लुक को बरकरार रखने के लिए इसमें राउंड शेप्ड क्रोम फिनिश वाला रियर व्यू मिरर दिया गया है। आपको इसकी फ्रंट फेंडर पे या फिर एग्जॉस्ट मफलर के ऊपर क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा। इसमें बेज कलर इंटीरियर दिया गया है। इसकी सीट को देखें तो इसमें डुअल टोन रिप्ड पैटर्न सीट लगा हुआ है। इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है और ये देखिए इसमें वेल कुशन एक बैकरेस्ट भी दिया गया है। आपको इसमें पिलियन को लेकर डेली कम्यूटिंग में या फिर लॉन्ग राइड्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। इसकी सीट हाइट है 765 mm, जो सभी हाइटों के राइडर्स के लिए कंफर्टेबल है। जुपिटर क्लासिक की BS4 वाला वेरिएंट में हैलोजन हेडलैम्प सेटअप दिया जाता था, मगर इसकी 2020 वेरिएंट में आपको अब सुपर ब्राइट LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। इसकी टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर में भी पावर एफिशिएंट LED यूज हुआ है। जुपिटर की BS4 वाला वेरिएंट में ट्रांसपेरेंट टाइप विंडस्क्रीन दिया जाता था, मगर अब इसमें टिंटेड वाइजर दिया गया है जो इसकी लुक को और भी एनहांस कर रही है। 2020 वेरिएंट में जो सबसे बड़ा मैकेनिकल चेंज इसमें हुआ है वो आपको इसकी इंजन पे दिख जाएगा। अब इसकी इंजन नया पॉल्यूशन नॉर्म BS6 कॉम्प्लायंट है। इस इंजन की फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को अब TVS नॉर्मल कार्बोरेटर से बदल के ETFI यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन कर दिया है, जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस एनहांस करने के साथ साथ माइलेज भी 15% तक एनहांस करती है। पर दुख की बात यह है TVS BS4 पॉल्यूशन नॉर्म को अचीव करने के लिए इसकी मैक्सिमम पावर को 0.5 BHP रिड्यूस किया है। अब जुपिटर की 109.7 cc की एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट इंजन 7.3 BHP की मैक्सिमम पावर के साथ 8.4 Nm की मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकती है। इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम मिलेगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी को अब 5 लीटर से बढ़ाकर 6 लीटर का कर दिया गया है। इसके अंडरसी स्टोरेज की कैपेसिटी भी अब थोड़ा इंक्रीज हुई है। अब इसमें आपको 17 लीटर की जगह 21 लीटर की अंडरसी स्टोरेज मिलेगा। इसमें ये जो लाल वाला पोर्ट आपको दिख रहा है ना दोस्तों, वो दरअसल OBD यानी कि ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट है। इसके मदद से इंजन और FI सिस्टम की हेल्थ चेकअप किया जा सकता है। FI वाले बाइक और स्कूटर में ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। FI इंजन होने की वजह से इसमें अब चोक नहीं है, उसके जगह इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग के समय मोबाइल या फिर छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको इसमें एक फ्रंट पॉकेट भी मिल जाएगा। इसमें आपको दो हुक भी मिलेगा, एक हैंडल बार के नीचे और दूसरा सीट के नीचे। जुपिटर पे आपको इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा लेग स्पेस मिलता है 375 mm। टॉलर राइडर्स भी बहुत ही आराम से इसमें राइड कर पाएंगे। TVS प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर पे काफी सारे फीचर प्रोवाइड किया है, जैसे कि टाइट स्पेस में स्कूटर को पार्क करने की सुविधा के लिए इसमें डुअल साइड हैंडल लॉक सिस्टम दिया गया है। इसमें इंक्लाइन रोड्स में पार्क करने के लिए पार्किंग ब्रेक भी है। इसके अलावा इसमें आपको TVS पेटेंटेड इजी सेंटर स्टैंड मिलेगा, जिससे लेडीज लोग बहुत ही इजीली स्कूटर को सेंटर स्टैंड पे लगा पाएंगे। इसकी मीटर कंसोल को देखें तो इसकी एनालॉग मीटर कंसोल में एक नई चीज की इंक्लूशन अब हुई है, इंजन मैलफंक्शनिंग लाइट। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। जब भी आपके स्कूटर की इंजन पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगी और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि स्कूटर को अब सर्विसिंग करवाने की जरूरत है। इसमें काफी अच्छी क्वालिटी के स्विच गियर्स यूज हुआ है। इसमें आपको हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट स्विच के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम में आए तो जुपिटर पे सेफ्टी फीचर SBT यानी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसके सामने और पीछे दोनों में ही 130 mm की ड्रम ब्रेक। BS4 वाला जुपिटर पे आपको सिंगल डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिलता था, मगर नया जुपिटर पे आपको किसी भी तरह की डिस्क ब्रेक की ऑप्शन नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी TVS को डिस्क ब्रेक की ऑप्शन देना चाहिए। दोस्तों आपका क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। इसके सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क और पीछे गैश फील्ड 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है।
इसके सामने और पीछे आपको 12 इंच की लाइट वेट अलॉय व्हील के साथ 90x90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिलेगा। जुपिटर पे क्लास लीडिंग 1275 mm की व्हील बेस दिया गया है। लार्जर व्हील बेस और व्हील साइज की वजह से इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी और राइडिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा कम है। इसकी कार्ब वेट है 109 kg। माइलेज की बात करें तो FI होने के बाद इसकी माइलेज में 15% तक इम्प्रूव होने की चांसेस है। इसमें आपको अब एवरेज राइडिंग कंडीशन में 50 के आसपास माइलेज आसानी से मिल जाएगा। TVS जुपिटर क्लासिक BS6 वेरिएंट की प्राइस में 6-7,000 रुपीज की हाइक हुई है। अब कोलकाता में इसकी एक शोरूम प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 72,000 रुपीज। दोस्तों, आपको जुपिटर के ये नया अवतार कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।